वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद सभी पर हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव उपस्थित सज्जनों, हमारे मंदिर के पंडित महाराज श्री और जितने माता पिता हैं सभी को मैं जथाजो के प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। आज श्री शंकर जी के मंदिर में फिर आप लोगों ने आप सब माता जी के व्रत किए होंगे, नव दुर्गा के व्रत किए होंगे, उसको उपलक्ष्य करके आप लोगों ने सबके सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए बड़े सौभाग्य की बात है, सबके सब हम लोग सत्संग और हरि चर्चा के लिए हम सबके सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री शंकर जी कहते हैं, बोले पार्वती, जगत में सब चीज की सुलभता है, लेकिन पार्वती एक चीज की बड़ी दुर्लभ है। तब मैया पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु किस चीज की जगत में दुर्लभ है? तब शंकर जी कहते हैं, बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे कौवारा, निमिष दंड भरे सत्संगति दुर्लभ संसारा। शंकर जी कहते हैं, पार्वती जगत में जो सत्संग है पार्वती, जगत में सबसे बड़ा दुर्लभ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास भी वो एक ही बात कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो जगत में संतों का समागम और भगवान की जो कथा है, कहते जगत में ये दो चीज की बड़ी दुर्लभता है। तब श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भी यही सुनाते हैं, बोले परीक्षित, जगत में जो सत्संग है, जगत में जो प्रभु की चर्चा है, बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। परीक्षित, ये जो सत्संग है, जो प्रभु की कथा है, बोले स्वर्ग में भी ये प्रभु की चर्चा नहीं है, ये हरि कथा स्वर्ग में भी नहीं है। आप लोग भागवत कथा सुने होंगे। जब श्री परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये भागवत कथा, प्रभु की कथा सुनाने जा रहे थे, सारे देवता लोग पूरा के पूरा अमृत कलश लेकर के आते हैं, बोले हे सुखदेव गोस्वामी, लो ये पूरा के पूरा अमृत कलश ले जाओ पूरा, क्योंकि परीक्षित महाराज को अभिशाप है, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन करेगा। लो ये अमृत कलश ले लो और इनको पिला दो, इनको अगर पिला दोगे जीवित हो जाएंगे। लेकिन ये जो भगवान की कथा आप सुनाने जा रहे हो, हमें थोड़ा ठाकुर जी की केवल कथा सुना दो। सुखदेव गोस्वामी संपूर्ण अमृत कलश का विनिमय में भी उनको ये भगवत चर्चा नहीं सुना है। वहां से उनको भगा दिया, वहां से भाग जाओ यहाँ से। पर को काच को मणिर महान उदाहरण देते हैं कि जो स्वर्ग का जो अमृत क्या है, बोले कि टूटे फूटे हुए एक कांच है। कहते जो भगवान की जो कथा किया है, बोले ये मणि है, एक मणि के साथ में टूटे फूटे हुए एक कांच की तुम लोग उदाहरण विनिमय में कथा सुनने चाह रहे हो। जानते हो ये भगवत चर्चा किया है। इसलिए गोपियां कहती हैं, एक गोपी गीत में ब्रज गोपियां कहती हैं ये भगवत कथा की क्या महत्व है। कहते तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृह्णन्ति ते तब कथामृतम् कभी श्रवण मंगल श्रीमदाततम ब्रज की गोपियां कथा की महत्व कह रहे हैं। बोले भगवत कथा की 7 गुण हैं। अभी हमारा प्रश्न है भैया, इसी समय अगर कोई काज कम करते कुछ कम से कम माल तो मिलता, लेकिन हम सारे काम धंधा को छोड़ छाड़ कर यहाँ बेकार क्यों बैठेंगे। ये कथा सुनकर क्या होगा, क्या हमारा पेट भरेगा? क्या कोई प्रश्न कर सकते हैं, क्या पेट भरेगा? अगर इसी समय कोई कमाई करते तो पैसा कमाते, खाते पीते, बेकार काम धंधा छोड़ छाड़ करके यहाँ बैठे हुए, कोई काम धाम नहीं, कथा में बैठ गए। गोपियां कहते नहीं, कहते कथा की जो महत्व है और किसी चीज को महत्व नहीं है। गोपियां 7 गुण बताए, ये हरि कथा को श्रवण करेगा तो। इसका पहला गुण कहती है तब कथा मृतम, जगत में अगर तुम्हारी कथा कोई सुनेगा तो अमर बन जाएगा। ये अमृत है। जगत में हम कोई मरना चाहते हैं? बताओ कोई मरना चाहते हैं? इसलिए मरेंगे नहीं, इसलिए च्यवनप्राश खाते हैं और क्या क्या दवा खाते हैं। जगत में मरने का बात सुनते हम डर जाते हैं। जगत में कोई भी मरना नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर अमरत्व को बनना चाहते हो ये भगवत कथा श्रवण करो, इससे बड़ा अमृत जगत में कुछ नहीं। इसलिए भव औषध छत्र मना मनोभिरामा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो कथा है ये भव औषध की बहुत बढ़िया दवा है। इससे बढ़िया दवा जगत में कुछ नहीं। बोले भैया दवा तो कड़वी होती है, क्या भगवत कथा की कड़वी? बोले नहीं, भव औषध छत्र मनोभिरामा, कान और हृदय को ये आनंद देने वाले। इसलिए पृथ्वी महाराज भगवान से 10,000 उनको कान मांगते हैं। बोले प्रभु ये 2 कान में तुम्हारी कथा सुन करके हमें तो नहीं हो रहा है, हमको 1000 कान दे दो, नित्य निरंतर तुम्हारी कथा मृत को हम पान करते रहे। हाँ, इसलिए गोपियां कहती है कथा का पहला जो गुण है अमरत्व को प्राप्त कर लोगे, जन्म मृत्यु से संपूर्ण निकल जाओगे। इसलिए भागवत कथा को अमर कथा कहते हैं। बोले कथा को सुने कौन, सुनाए कौन? बोले सुनाने वाले साधारण नहीं, सुनने वाले साधारण नहीं, स्वयं जगदम्बा जगत जननी स्वयं पार्वती जिस कथा को श्रवण करती हैं। सुनाने वाले कौन हैं? बोले स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, स्वयं शंकर जी कथा को सुनाने वाले। शंकर जी स्वयं कहते बोले पार्वती ये कथा मृतों को ही पान करके जगत में मैंने ये अमरत्व को प्राप्त किया है। तब पार्वती बोले मुझे भी अमर बना दो, मैं मरती जा रही हूँ, हम मर ही नहीं रहे हो। इसलिए ऐसे कौन सा अपनी जड़ी बूटी पान कर लिया जो मर नहीं रहे हो। शंकर जी कहते हैं पार्वती केवल भागवत कथामृत को मैंने सुन करके ये अमरत्व को मैंने प्राप्त किया है। फिर पार्वती बोले मेरे को भी सुना तो, बोले कथा को नहीं सब सुन सकते हैं, इसलिए ये भगवत चर्चा सभी नहीं सुन सकते हैं। ये तो बड़े पुण्यात्मा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लब्धम, जन्म जन्मांतर का कोई सौभाग्य पुण्य उदय हो तभी शंकर जी कहते पार्वती तभी ये कथा को कोई सुन सकते हैं, नहीं तो ये कथा अमृत को सभी पान नहीं कर सकते। अमरनाथ में ये कथा सुनाई माता पार्वती को, जिस कथा को सुन करके पार्वती मैया स्वयं अमरत्व को प्राप्त करती, इसको पहले उनने शरीर त्याग दी है कनखल में, इसलिए ये कथा अमृत की इतने महिमा है। इसलिए गोपियां कहती इसका जो पहला महत्व है ये कथा अमृत है। दूसरा जो महत्व है वह तप्त जीवनम, संसार में हम जो दुख कष्ट पा रहे हैं, कभी दुख कष्ट से निकलने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है। हम चाहते हैं सब संसार में कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रहत उदास, कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी नहीं तो कोई धन से दुखी, सबके सब दुखी है। लेकिन ये दुख से निकलने के लिए हम कितना कोशिश करते हैं। सामने हमारी एक समस्या है, हम सोचते हैं अगर ये समस्या दूर हो जाएगा हमें चैन मिलेगा, लेकिन आप देखिएगा एक समस्या से दूर नहीं हुई, सामने तीन समस्या खड़ी रहती है। लेकिन गोपियां कहती सारे समस्या को हल करने का उपाय क्या है, बोले भगवान की कथा अमृत को पान करो, तुम्हारे जीवन का सारी समस्या सारे दुख तुम्हारी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तप्त जीवनम बोले कभी भी रेडितम, बोले कथा को गान करने वाले कौन है, बोले शंकर जी है, ब्रह्मा जी है, श्री सुखदेव गोस्वामी है, सुत गोस्वामी है, चतुर्सेन है। कथा को बोलने वाले कोई साधारण नहीं, जो बड़े बड़े जो कवि लोग है कहते कथा में तो गान करते हैं। इसलिए कभी भी रीडितम बोले कलमस अपहम, कब जीवन में जितने दुख कष्ट का जो मूल कारण है ये हमारे प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है। बोले अगर ये प्रारब्ध को खंडन करना चाहते हो केवल भगवत कथा के श्रवण करो, इससे प्रारब्ध को खंडन करने का और कोई उपाय नहीं। इसलिए कलमस अपहम बोले श्रवण मंगलम, भगवत कथा श्रवण करो, इससे बड़ा मंगल जगत में कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा जो मंगल है मंगल भावना अमंगल हरि, इसलिए भगवत कथा श्रवण करने पर जीवन का सारे अमंगल दूर हो जाएगा। इसलिए मंगल भवनम श्रवण मंगल बोले श्री मदातम, कहते श्री मतलब लक्ष्मी, कौन लक्ष्मी नहीं चाहता बताओ, दुनिया में ऐसे कौन व्यक्ति जो लक्ष्मी नहीं चाहता, सब लक्ष्मी के लिए सब चाहते हैं। बोले भगवत कथा सुना लक्ष्मी अपनी आप आएगी, बोले लक्ष्मी कहाँ रहती है, बोले ठाकुर जी का चरण में। लक्ष्मी कहाँ रहती है, ठाकुर जी के चरण में। जब ठाकुर जी कथा सुना लक्ष्मी तो अपनी आप आएगा तुम्हारे पास में, हाँ। इसलिए जहाँ नारायण वहीं लक्ष्मी है। इसलिए प्रभु की कथा सुना, कथा भी भगवान है, भगवान कहाँ पर है। इसलिए कभी नारद जी भगवान पूछे बोले प्रभु कहीं आपको अगर कहीं ढूंढो आप कहीं मिलोगे कि नहीं, कोई अता पता है, बोले क्यों नहीं, सबका जो एड्रेस है मेरा एड्रेस भी होगा, बोले बता दो, कहीं अगर ढूंढना है तो ढूंढ लूंगा। बोला अपना पेन और नोटबुक निकाल के बताता हूँ। तब भगवान स्वयं बोले बोले ना हम बसामि वैकुंठे जोगिनां हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, नहीं तो किसी जोगियों का हृदय में नहीं। बोले कहाँ रहते हो, पर दुनिया जानते वैकुंठ में नहीं तो जोगियों का हृदय में रहते हो। बोले नहीं, बोले मत भक्ता जत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त लोग बैठ करके मेरी चर्चा हरि चर्चा करते हैं, मेरे कीर्तन करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। किसी भक्त ने ठाकुर जी को पूछा बोले प्रभु आपका फोन नंबर है कि नहीं सभी का फोन नंबर है, लेकिन आपका भी फोन नंबर होगा तो जरूर। बोले जब दुनिया का फोन नंबर मेरा भी क्यों नहीं होगा, मेरा भी फोन नंबर है। बोले बता दो, अगर कभी आपको साथ में कभी दो बात करना हो कभी दो बात कर लूंगा, आप बता दो। बोले देखो मेरा जो फोन नंबर है ना 108, मतलब प्रभु इसका मतलब क्या है? मतलब 108 है, मतलब 108 मतलब देखो जो हम जो भगवान को जो नाम जप करते हैं, जैसे माला है, जैसे देखो ये माला है, ये माला में हम ठाकुर जी का नाम जप करते हैं। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जो ठाकुर जी का जो नाम जप करते हैं, ठाकुर जी कहाँ पर है? बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। तुम्हारी नाम रूप बिन देखे, तुम्हारी नाम रूप बिन देखे, कड़ी लगे ना राम के संग। नाम के बांधे खिंचाएंगे, नाम के बांधे खिंचाएंगे, आके एक दिन सब हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, रट आ गए घनश्याम श्री राधे राधे। द्रौपदी जब नाम पुकारी, रट आ तुम्हारा दुशासन, साड़ी खेत तुम्हारा दुशासन, साड़ी बढ़ाए शाह, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। जब हम ठाकुर जी का नाम लेते हैं, इसलिए भागवत में बताया, बोले नाम चिंता मणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धम नित्यम उत्तम अभिर्नत्वात् नाम नामिना। मतलब भगवान का जो नाम है ये चिंतामणि, चिंतामणि मतलब हम जो मांगेंगे नाम हमें वही दे देगा। बोले साक्षात ये भगवत स्वरूप है, अभिर्नत्वात् नाम नामिना। प्रभु और उनका नाम में कोई फर्क नहीं है। इसलिए कलिजुग के बोल नाम आधारा सुमरी सुमरी नरा उधर ही पारा। इसलिए भगवान बोले मेरा जो फोन नंबर है क्या है? कहते हम भगवान का जो नाम करते हैं, भगवान और उनके नाम में कोई फर्क नहीं, बल्कि भगवान से बढ़ करके भी उनका नाम है। हरि से बड़ा हरि का नाम है। बोले जिस समय प्रभु राम अभी लंका विजय करेंगे, भगवान राम बैठे हुए थे। भगवान राम देखा जितने बंदर सैनिक बड़े बड़े पत्थर ला रहे, और हनुमान जी इसके ऊपर में श्री राम लिख करके और नाल स्पर्श करते और पानी के ऊपर तैर रहा है। भगवान ने देखा मेरे नाम में इतने शक्ति, केवल मेरे नाम को लिख करके पत्थर छोड़ देते वो तैर रहा है। प्रभु राम ने सोचा मैं भी एक पत्थर उठा करके फेंक करके देखता हूँ ये डूबता ना तैरता है। भगवान ने देखा अगर सबको सामने पत्थर उठाऊं और फेंकू, अगर डूब गया फिर तो मेरा नाकान गड़ जाएगा। बोले मेरे भक्त लोग मेरे नाम को ली करके पत्थर को छोड़ रहे, तैर रहा है, मैं स्वयं प्रभु हूँ, अगर छोड़ अगर डूब गया तो फिर क्या होगा? प्रभु ने सोचा एक झाड़ी को अंदर में जाकर के छुप करके पत्थर उठाकर फेंकता, अगर डूब गया तो कोई देखेगा नहीं। इधर में प्रभु राम थोड़ी से हट गए और ये झोड़ी झपड़ी के अंदर में गए और एक पत्थर उठाया और प्रभु राम पानी में पत्थर को फेंका, देखा डूब गया। भगवान ने कहा ये क्या हो रहा है? मेरे नाम को लिख करके पत्थर के ऊपर छोड़ते हुए तैर रहा है, मैं स्वयं राम हूँ और ये पत्थर फेंक रहा, ये डूब गया। भगवान मन में बड़ा शंका आ गया। प्रभु औरे के पत्थर उठाए, पैर फेंके, पैर डूब गया, औरे के पत्थर उठाए। हनुमान जी ने देखा ये राम कहाँ चले गए, मेरे प्रभु कहाँ गए, राम के बगैर हनुमान रह नहीं सकते हैं, इसलिए राम चले ना हनुमान के बिना, हनुमान चले ना प्रभु राम के बिना। इसलिए बोले प्रभु कहाँ गए, उन्होंने ढूंढते ढूंढते देखा प्रभु हाँ एक झोपड़ी के अंदर बैठी करके प्रभु झाड़ी के अंदर में, जैसे बच्चे पत्थर फेंकते ना पानी में, बच्चे खेलते हैं, ऐसे ही बच्चे जैसे पत्थर फेंक रहे। बोले प्रभु का ये कौन सा झूला, ये पत्थर उठा उठा कर फेंक रहे। इतने में हनुमान जी गए, बोले प्रभु ये क्या हो रहा है, बच्चे जैसे पत्थर उठा उठा कर पानी में क्यों फेंक रहे हो। बोले तू कहाँ से आ गया। बोले प्रभु आपको छोड़ करके तो मैं रह नहीं सकता हूँ। बोले हनुमान जी मेरे मन में एक बहुत बड़े शंका आ गई। बोले प्रभु आप तो प्रभु हो, आपका मन में शंका। बोले हनुमान ये बताओ तुम लोग मेरे नाम को लिख करके पत्थर के ऊपर में छोड़ रहे हो, ये पत्थर तर रहा है, लेकिन मैं स्वयं राम हूँ और ये पत्थर को उठा करके फेंकता हूँ, ये पत्थर डूबते जा रहा है। ये हनुमान मेरे पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। बोले प्रभु तो सीधी सी बात है। बोले सीधी सी बात मेरा समझ में नहीं आ रहा है, बताओ मतलब क्या। बोले प्रभु ये पत्थर क्यों तैर रहा है, तैरने का जो कारण है उसको ऊपर में आपका नाम लिखा हुआ, ये आपका नाम का बल पर ये पत्थर भी वो पानी के ऊपर में तैर रहा है, क्यों आपका नाम की बल पर तैर रहा है। बोले मैं फेंकने पर डूबता है क्यों। बोले प्रभु जैसे आप कोई चीज को उठाए और फेंका, फेंका मतलब क्या है, आप वो चीज को त्याग दिया। प्रभु उठाए और फेंका मतलब क्या, आपने उस चीज को त्याग दे दिया। बोले हे प्रभु अगर आप किसी को त्याग दे दो वो कभी तैर सकता है, कभी वो तो डूबेगा ही। हाँ इसलिए तो डूबेगा क्योंकि आप स्वयं उसको त्याग दे रहे हो, इसलिए तो डूबते जा रहा है। बोले हनुमान में तो यही समझ रहा था कि क्यों डूब रहा है। हाँ, इसलिए भगवान का नाम को अगर हम सहारा लेंगे ये भवसागर में भी हम तैरते रहेंगे, हम कभी नहीं डूबेंगे। लेकिन अगर प्रभु का नाम की सहारा अगर छोड़ दे फिर तो भवसागर में हम डूब जाएंगे। इसलिए यहाँ पर गोपियां कह रही है प्रभु आपका जो कथा श्रवण करते हैं, बोले श्री मदातम हाँ सारे असत्य आपकी खंडन हो जाएगी। जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान क्या है, बोले आपकी कथा मृत को जो दान करते हैं। इसलिए है कन्हैया सबसे बड़ा दान वही है जो भगवत कथा को जगत में ये दान करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री शंकर जी कहते हैं, बोले पार्वती सतसंगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको बारा। अगर एक निमिष एक दंड कहते पार्वती अगर प्रभु की कथा सुनने को मिल जाए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते स्वर्गे, इसलिए ये भगवत हरि चर्चा ये देवता लोग संपूर्ण अमृत कलश का विनिमय में भी उनको प्रभु की कथा सुनने को नहीं मिला। बोले जो भैया स्वर्ग की बात ही छोड़ दो, लेकिन इसको ऊपर में 7 लोग ऊपर में जहां पर पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं, बोले स्वर्गे सत्य, बोले सत्य लोक में भी ये प्रभु की चर्चा दुर्लभ है, भगवत कथा वहां भी दुर्लभ है। बोले वहां की बात छोड़ो, कहते कैलाशे जहां पर स्वयं शंकर जी रहते हैं। इसलिए शंकर जी स्वयं कहते पार्वती कभी शंकर जी का अगर कभी प्रभु की चर्चा सुनने इच्छा होता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कहते शंकर कैलाश को छोड़ करके पार्वती को साथ में लेकर कहा जाते हैं, बोले अगस्त ऋषि जहाँ पर बैठे हुए श्री अगस्त इसको चरण में आकर के स्वयं शंकर जी ये हरि चर्चा को हरि कथा को स्वयं शंकर जी सुनते हैं। इसलिए कहते एक बार त्रे तया जुगमाही एक बार त्रे तया जुगमाही सब हो गए वो भज ऋषि भाई सम हो गए ओम हरि शिवाय। एक बार प्रेस तो संतुलन जी कहते हैं शंकर जी का अगर कभी हरि चर्चा सुनने को इच्छा होता है कहते कैलाश छोड़कर शंकर जी कहते पार्वती ये प्रभु की कथा सुनने के लिए मेरे को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, मैं तो कहीं कथा सुन करके तेरे को यही सुना देता हूँ, लेकिन मुझे अगर कभी प्रभु की कथा सुनना हो मैंने शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंकर जी सुदूर कैलाश छोड़ करके आते हैं कहाँ ये मर्त्य जगत में जहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे में जहाँ पर अगस्त ऋषि बैठे हुए उनका चरण में आ करके शंकर जी बैठते हैं पार्वती को साथ में और प्रभु की कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए कहती है हरि चर्चा पहले कैलाश में भी ये हरि चर्चा नहीं। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया कैलाश की बात ही छोड़ो, कहते वैकुंठ है जहाँ पर भगवान स्वयं वैकुंठ में रहते हैं वहां पर भी ये हरि चर्चा नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भले गायो गरुड़ा जहाँ बसाई भूसोड़ा, गायो गरुड़ा जहाँ बसाई भूसोड़ा, गायो गरुड़ा जहाँ बसाई भूसोड़ा, गाया हो गरुड़ा जहाँ बसाई भूसोड़ा, राम चरण अति भक्ति अखाटा, राम चरण अति भक्ति अखाटा, गाया हो गरुड़ा जहाँ बसाई भूसोड़ा। गरुड़ जी वैकुंठ में रहते हैं, अगर गरुड़ जी को कभी इच्छा हो मैं भी थोड़ा प्रभु की कथा सुनूं, बोले गरुड़ जी क्या कहते बोले गयो गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, जहाँ पर काक भुसुंडी जिसे नीलगिरी पर्वत के ऊपर बैठी करके प्रभु राम की कथा सुनाते हैं। कहते गरुड़ कहाँ त्याग देता है, बोले वैकुंठ त्याग दे करके वो आ करके सुनते हैं प्रभु की कथा को सुनते हैं इसी मर्त्य जगत में। इसलिए कहते अतः पिबंतु सद्भाग्या, इसलिए कहती कथा को कौन सुन पाएगा, बोले सद्भाग्या साधारण व्यक्ति ये हरि चर्चा नहीं सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तक यही सारा अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाए। शंकर जी कहते पार्वती आप तक यही सारा अति कठिनाई पार्वती जहाँ हरी चर्चा हो, शराब दुकान में देखो लाइन लगे हुए मिलेंगे, हाँ सिनेमा में जाओ लाइन लगे हुए मिलेंगे, कहीं अगर हरी चर्चा प्रभु की कथा हो नहीं वहां प्रभु कोई नहीं मिलेगा, हाँ क्योंकि कहते आप यही सर अति कठिनाई ये साधारण भाग्य से कोई शंकर कहते पार्वती साधारण भाग्य से ये हरी चर्चा में कोई कहते पापियों को हरी चर्चा नहीं सुनाएगा, इसलिए कथा नहीं सुन सकते हैं। हाँ इसलिए बहुत भाग्य से बड़े भाग्य से कहीं प्रभु की कथा सुनने को मिलता है बड़े भाग्य से। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो कि थोड़ी समय हम यहाँ पर बैठे करके प्रभु की कथा श्रवण कर रहे हैं और प्रभु की कीर्तन सुन रहे हैं। समझो ये बड़े बड़े भाग्य से जीव को कहीं प्राप्त होता है। साधारण भाग्य से ये हरि चर्चा प्रभु की कथा ये साधारण भाग्य से जीव को प्राप्त होता ही नहीं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए भागवत में कभी चतुसर ये पृथ्वी महाराज को घर में आए तो श्री भगवान स्वयं ये सत्तावेश अवतार है पृथु महाराज, ये सत्संग की महिमा को ये सुनाते हैं। बोले तुलयाम लबनापि न स्वर्ग न अभोर्नर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिस। ये प्रभु स्वयं कह रहे पृथु महाराज कह रहे बोले सत्संग की कितने महत्व है चतुसन जब उनके घर में आए, बोले तुलया लवेना आपी, कर जीवन में अगर एक घड़ी आधा से पुनिया, हाँ इतने समय, बोले एक लव कितना समय में, बोले जैसे एक सेकेंड, बोले एक सेकेंड को 11 भाग करो, 11 भाग का जो एकमा भाग को एक लव कहते हैं। कहते जीवन में अगर इतना समय अगर जीवन में सत्संग जीवन में प्राप्त हो, बोले उसको साथ में, बोले न स्वर्ग न अपो नरभव, बोले उसको साथ में स्वर्ग अपो नरभव मतलब होता है मुक्ति, उसको साथ में स्वर्ग और मुक्ति को भी हम बराबर कर ही नहीं सकते हैं। ये सत्संग की इतने दुर्लभता ही प्रभु स्वयं कह रहे हैं, ये सत्संग की इतने 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 दुर्लभ है। हाँ, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि हमें सत्संग, हमें आप लोगों ने फिर माता दुर्गा की नवदुर्गा की आप लोगों ने व्रत किया है। हाँ, और उसको आज अंतिम दिन है ना। हाँ, समझो जब तक ये माता जी की कृपा नहीं हो, हाँ, तब तक ये जीवन में सत्संग नहीं मिलता है, क्योंकि ये सत्संग का जो मूल व्यक्ति ये शंकर और पार्वती। इसलिए भागवत कथा कौन किसको सुनाए, बोले शंकर जी पार्वती को ये अमर कथा सुनाए। बोले रामायण कौन किसको सुनाए, बोले शंकर जी माता पार्वती को रामायण सुनाते हैं। इसलिए ये जो धन है इनकी ही ये धन है। इसलिए जो माता पार्वती वो परम वैष्णव भी है, जैसे हम लोग वैष्णव है वो परम वैष्णव भी है। उनकी कृपा से ही कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, ये शंकर पार्वती के कृपा के बगैर ये भक्ति किसी को नहीं मिलता है। अगर किसको मिलता है तो इनकी आशीर्वाद से ही ये जीव को मिलता है। अगर ये कभी जीव को ऊपर में कृपा करते हैं, इसका असली जो कृपा है वो लेकर के जरूर प्रभु के पास में ये पहुंचाते हैं। इसलिए ये गुरु है शंकर जी, ये आदि गुरु, माता पार्वती ये आदि गुरु है। इनकी कृपा से ही भगवत भक्ति मिलती है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान, आप लोग भी जो उनको व्रत रखे हो, समझो उनकी पूरी कृपा आप लोगों को ऊपर में, क्योंकि उनको व्रत की समाप्ति में आप लोगों ने श्री हरि चर्चा प्रभु की कथा सुनने को हम लोगों को प्राप्त हुई है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री भोले बाबा की जय, बोले श्री वैष्णवी देवी की जय। आप लोगों को मैं एक छोटी सी कहानी सुना करके कथा को समाप्त करते हैं। कितना समय तक कथा कर सकते हैं? दो, ठीक। आप लोग एक छोटी सी कहानी सुना था, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। अगर कथा को अगर हम सही सही समझ जाए तो समझना हमारा जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा, हमारा जीवन की जो असली कहानी है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो। मैं ये कथा सुनाने के बाद किसी को भी मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों ने क्या सुना है, ठीक है? फिर मेरे को 2 बार सुनाना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसे ध्यान से सुनो, मेरे को 2 बार जैसे आप सुना सकते हो। हाँ, देखो एक समय कोई एक राजा था। कहते राजा के कहते 4 रानियां थी। कितना? 4 रानियां थी। 4 रानियों में जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और रानी की जो मन पसंद चीज को ला ला करके उसको देते थे और रानी को बड़े खुश रखते थे। हाँ? अभी राजा की जो दूसरे नंबर की रानी, मतलब 4 रानियों में वो देखने में सबसे सुंदर थी, इसलिए राजा उसको सबसे कीमती कीमती अलंकार साड़ियां पहना करके जब नगर घूमने जाते थे वो रानी को रथ में बैठा लेते थे और पूरा दुनिया को दिखाते थे, देखो ये रानी मेरी कितने प्यारी कितने सुंदर है। अब राजा की जब तीसरे नंबर की रानी थी, वो रानी बड़ी मीठी मीठी बात बना करके मीठी मीठी बात बोलती थी। इसलिए राजा जब नगर घूम घाम करके अपना राजमहल में आते थे, ये रानी को पास में बैठते थे और इस जो बना करके जो बात बोलती थी, राजा को बड़ा आनंद मिलता था। और राजा अपना मन की बात और किसी रानी को नहीं, राजा केवल ये तीसरे नंबर रानी को अपनी मन की बात बोलते थे। राजा की जो चौथे नंबर की रानी है तो बड़ी प्यारी, लेकिन राजा जब से उसको शादी करके घर में लाए तब से उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखे। इसको कभी पूछा भी नहीं तेरे को साड़ी साबुन तेल चाहिए, राजा कभी इसको पूछता नहीं था। हाँ, इसलिए उसको तरफ में झांक कर नहीं देखा, तो बेकार है, कोई काम की नहीं। अभी वो बड़ी दुखी रहती थी, शादी करके लाई, पूछते नहीं कभी। अभी राजा को समय हो गया कि जगत छोड़कर के जाने का, उसको समय हो गया। जब समय हो गया, देखा मेरे चाचा रानियां हैं, इनसे मैं पूछ लेता हूँ कौन कहाँ तक मेरे साथ देती। तब उन्होंने सबसे, उन्होंने बड़ी रानी से पूछा, बोले रानी सबसे ज्यादा मैंने तुमको प्रेम किया और तेरी मनपसंद वो चीज को ला ला करके मैं तेरे को देता था, खुश करता था। अभी मेरा अंतिम समय आ गया, मेरे साथ में तुम चलोगी मेरे साथ में? वो रानी बोली महाराज मैं तो तेरे साथ में चलूंगी नहीं, तेरे साथ में एक कदम भी मैं नहीं चल सकती। बोले क्यों? बोले मैं मजबूर ही हूँ, बोले सारा जीवन तेरी सेवा करते करते जीवन गया और अंतिम समय पर बोलते जाओगी नहीं, तो मैं मजबूर, तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। ये सबसे ज्यादा धोखा दे दी। अभी दूसरे रानी से जो सबसे सुंदरी थी, उससे पूछा, बोले तेरे को तो सबसे कीमती कीमती साड़ी गहना पहनाया करके रात में बैठा करके सारा दुनिया को दिखाया करता था, तो मेरे साथ में चलोगी? वो बोलती है चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से क्यों शादी करोगे? बोले देखो मैं कितने सुंदरी हूँ, जहाँ जाऊंगी मेरे को तो सब पसंद कर लेंगे, इसलिए मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी। राजा बोले कैसे बात करती है, थोड़ी शर्म भी नहीं उसकी। अभी राजा अभी तीसरे नंबर से पूछे, बोले तू क्या करोगी? तेरी मीठी मीठी बोली सुनता था, मन की बात बोलता सुनाता सुनता था, हाँ बोलता था, अभी तू क्या करोगी? बोले महाराज मैं चलूंगी आपको साथ में, लेकिन दरवाजा तक चल सकती। बोले उसको आगे, बोले उसको आगे 4 कदम पर चलूंगी, लेकिन 4 कदम से आगे नहीं चल सकती। बोले ये भी कोई चलना है नहीं, हाँ दरवाजा तक और 4 कदम आगे चलना है, कोई चलना है? फिर राजा अभी चौथी नंबर से पूछा, जिसको कभी एक तरफ झांक कर देखा नहीं, कभी उसको पूछा भी नहीं, साड़ी साबुन तेल चाहिए। अभी जब उसको पूछा, बोले रानी तू क्या करोगी? रानी को तो क्रोध आ गया, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा है, तुम मेरे को शादी करके घर में जब से लाए हो, एक बार तुमने मेरे तरफ में देखा? कभी पूछा तेरे को साड़ी साबुन कुछ तेल चाहिए? कभी तुमने पूछा? जिंदगी में एक बार तो मेरे तरफ में देखा नहीं, और मरते समय मेरे को बोल रहे हो मेरे साथ में चलोगी। लेकिन चौथी नंबर रानी कहती, बोले महाराज आप तो मेरे साथ में बहुत बेईमानी किए हो, लेकिन दिल से मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, हाँ दिल से आपको बहुत प्रेम करती हूँ, भले आपने जो कुछ किया है, लेकिन मैं आपको साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी बनूंगी, बिना खाए तुमको खिलाऊंगी, प्राण दे करके तुम्हारी सेवा करूंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, जिनके लिए जीवन दे दिया, कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके तरफ में कभी देखा नहीं, कुछ बोला ही नहीं, जो किया ही नहीं, वही बोल रहे हैं मेरे साथ साथ में चलेगी। देखो ये कथा जो है, ये हमारे जीवन की असली कथा है। अभी ये चीज को हम समझे, ये चीज क्या चीज है। कहते यहाँ पर जो सबसे जो बड़ी रानी, राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और उसकी मन पसंद को चीज को ला ला करके जुगाते थे, लेकिन जो अंतिम समय में कहती हैं तेरे साथ में एक कदम भी मैं चलने वाली नहीं। बोले ये कौन है? आप बता सकते हो कौन है जिसको पूरा जीवन जी जान देकर जिसका हम सेवा कर रहे हैं, सारी मन पसंद चीज इसको दे रहे हैं, लेकिन जब हमारे अंतिम समय आए उसको जब पूछे हमारे साथ में चलोगे, तो सबसे ज्यादा धोखे देने वाले निकले। आप बता सकते हो कौन है जिसको हम सबसे ज्यादा अभी प्रेम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा दे? हाँ आप लोग बताओ, हाँ आप लोग तो बुद्धिमान हो, आप सत्संग आप लोग जब सत्संग करते हैं ना, देखो ये सत्संग का है, ये कहते हैं सत्संग का महिमा है। हाँ इसलिए सबसे ज्यादा इस जगत में जो प्रेम है, शास्त्र ने बताया इस जगत में प्रेम नहीं है, इस संसार में प्रेम नहीं, इस जगत में केवल स्वार्थ है। जो हमें थोड़ी बहुत प्रेम दिखती है वो केवल स्वार्थ की वजह से प्रेम दिख रहा है, लेकिन प्रेम नहीं। तब तक प्रेम है जब तक हम किसको दे रहे हैं। अब देना बंद कर दो, भले ही जो कुछ हो आपका तरफ में झांक करके नहीं देख रहा, उत्तर देगा हमारा लिए तुमने क्या किया हो जिंदगी में। जिंदगी भर किसके लिए सेवा करो, जी जान दे दो, थोड़ी सी अगर आपने नहीं इच्छा पूरी कर पाए उत्तर देगा तुम हमारा लिए क्या किया हो। हाँ? इसलिए हम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं, कहते हैं शरीर को। जैसे राजा उसका मन पसंद चीज देता था, हम भी ये शरीर जो खाएगा जो पहनेगा, सिनेमा जाएगा चलो, गोलगप्पे खाओगे चलो, घूमने जाओगे चलो, बढ़िया पहनोगे बढ़िया पहनो। हाँ, जिंदगी भर इसको हम सेवा कर रहे हैं शरीर को, लेकिन हमारे जब अंतिम समय आ जाएगा ये शरीर को जब हम पूछेंगे हमारे साथ में क्या चलोगे, क्या बोलेगा? बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। परमात्मा चले जाए बस पिंजरा जहाँ के तहाँ पड़ा रह गया। इसलिए वो बोलता है तेरे साथ में एक कदम भी जाने वाले नहीं है। हाँ, वो जहाँ के तहाँ वही रह जाएगा। अभी ये तो सबसे ज्यादा धोखा दे दी। अभी दूसरी पत्नी जो सबसे सुंदर थी, जो बोलती है मैं देख रही तू कब मरोगे दूसरे समय शादी करूंगी। हाँ, ये कौन है जो सबसे वो सुंदरी है, कहते मैं दूसरे से शादी कर लूंगी, अब तुम देख रहा तू कब मरोगी। कौन है वो? हाँ? बताओ कौन है जो सबसे प्यारी है? हाँ, और जो बोलता है जब मरते ही हम दूसरे शादी करूंगी, कहते ये है अर्थ है, ये पैसा है। हाँ, इसलिए सबसे सुंदर ये पैसा है, कोई जगत में सुंदर नहीं, सबसे सुंदर ये पैसा है। हाँ, इसलिए कहते वो बोलती है मरते ही मैं शादी करूंगी, मतलब है अभी हमारा नाम पर जो पैसा हो हमारा नाम पर है। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है वो छोड़ने का साथ साथ परिवार वाले सबसे पहले देखते हैं ये कितना प्रॉपर्टी कहाँ कितने बैंक में पैसा छोड़ जाएगा, सबसे पहले ये चीज को देखेंगे। हाँ, कभी बच्चे लोग अगर कभी ये सुना बच्चा लोग ये पैसा के चक्कर में पिता माता के दाह संस्कार भी नहीं करते हैं, कहते कौन बेटा कितना पैसा मिलेगा पहले ये हिसाब ठीक करो फिर उसको बाद में फिर दाह संस्कार करेंगे, उसको पहले नहीं, पहले देख लो कितना प्रॉपर्टी पिताजी का है, पहले तुमको कितना मिलेगा मेरे को पहले हिसाब करो उसको बाद, नहीं तो नहीं। हाँ, इसलिए कहती ये सबसे सुंदर पैसा। हाँ, इसलिए वो छोड़ने का साथ साथ झट वो प्रॉपर्टी पैसा को झट अपना नाम पर अपना कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं मैं तो दूसरे को साथ में मैं शादी कर लूंगी, और जिसको पास में जाएगा वही भोग करेगा, अभी हमारा पास में उसको हम भोग करेंगे, इसलिए वो भी दूसरे के पास में चली जाएगी। अभी तीसरे नंबर आ गई। हाँ, जिसका राजा मीठी मीठी बात सुनता था, मन की बात बोलता था, जो बोलती है मैं चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी, कहती वो कौन है? बोले ये पत्नी है। हाँ, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति जब पति शरीर छोड़ जाए पत्नी दरवाजा तक चलती है, उसको आगे नहीं चलती है, अगर चलेगी 4 कदम केवल दरवाजा को बाहर केवल 4 कदम आगे चलती है, नहीं तो वहां से और आगे नहीं चलती है। कहते चलूंगी लेकिन 4 कदम आगे दरवाजा तक चल सकती है, बोले आगे नहीं चल सकती। परिवार वालों से पूछा तुम लोग क्या करोगे? बोले तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रथ बनाएंगे। हाँ, रथ बना करके राम नाम सत्य है करते करते तुमको ले जाएंगे। बोले कहाँ पर? बोले प्लेन घाटी में, प्लेन घाटी में ले जाएंगे, प्लेन घाटी में प्लेन में बैठाएंगे और टाटा करके वापस आ जाएंगे। हाँ, तो वहाँ जला करके तुम्हारा शरीर को जला देंगे, वहाँ टाटा करके वहीं से हम वापस और आगे नहीं जाएंगे। अभी देखो चौथी रानी की नंबर आए, जिसको राजा जिसको पूरा नेग्लेक्ट करके रखा था, जिसको साथ में कोई मतलब नहीं रखा, उसको तरफ झांक कर भी नहीं देखा, वो सोच रहा था बेकार है ये करके क्या होगा, तो कुछ करके तो महत्व नहीं। लेकिन वो जो चौथी नंबर रानी जो बोलती है साथ साथ चलूंगी, सबसे ज्यादा मैं तुमको प्रेम करता था, दुखी में दुखी और सुखी में सुखी बनूंगी, कहती कौन है? लेकिन जिसको तरफ में अभी हम एक बार झांक करके भी नहीं देखते हैं। हाँ, जिसको संपूर्ण हम नेगलेक्ट करके रखे, क्योंकि कौन है? बोले ये भगवान की नाम है, ठाकुर जी की ये भक्ति है, ठाकुर जी की प्रेम है। हाँ, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में जब किसी व्यक्ति को कंधे पर ले जाते हैं क्या बोलते बोलते? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते बोलते ले जाते हैं। हाँ, इसलिए अगर हम किसको बोले थोड़ा भगवान का भजन करो, हरिनाम करो, कितना बहाना बनाएंगे, समय कहाँ है? तो कितना समय टीवी देखते बोले उसके लिए तो समय है, नाटक न बोले सबके लिए हमारे पास में समय है। बोले कि थोड़ा प्रभु का नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, थोड़ा गीता भागवत पढ़ो। कितने हम बहाना बना देते हैं, हमारे ये काम वो काम वो काम। घर का अगर घर का काम 5 घंटा है, कोई गंदी सिनेमा आ गया, घर का काम को 2 घंटा में निपटाएंगे, 3 घंटा निकालेंगे। हाँ, फिर जाकर 3 घंटा फिल्म देख कर आएंगे। बोले थोड़ा प्रभु का नाम भजन करो, पास में कोई समय नहीं हमारे पास। हाँ, उसको हम पूरा नेगलेक्ट करके रखें, लेकिन अंतिम समय में काम आएगा तो केवल प्रभु का नाम ही काम आता है। इसलिए मीरा गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक मेरे सदा गुरु, वस्तु अमोलक दे मेरे सदा गुरु, कृपा करे आपना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम। ये भजन को आप लोग सब जानते हो। बोले पायो जी मैंने पाया है। बोले क्या पायो? बोले राम रतन धन पायो। बोले कहाँ से मिली? बोले ये वस्तु अमोल, ये अनमोल संपत्ति है, कृपा करेगी गुरु जी से ये धन मिला है। बोले ये धन कैसे है? बोले चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवाए। हाँ, इसलिए ये ऐसे धन है जिसको चोर नहीं ले सकते हैं, जो लुटने वाले नहीं, जो फूटने वाले नहीं, जो धन केवल बढ़ने वाले हैं। बोले दिन दिन बढ़त सवाए, ये धन केवल बढ़ेगी, ये घटेगी नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ चैतन्य महाप्रभु, एक समय भक्त लोगों ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया। बोले प्रभु आज मेरे घर में आपको भोजन। महाप्रभु शिक्षा देने के लिए एक, बोले मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले प्रभु आप किसको घर में भजन करोगे? बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5 साल पहले का बात है। हाँ, उस समय लखपति कोई साधारण बात नहीं था। उस समय लखपति मतलब 1 लाख स्वर्ण हर जिसको घर में हो। भक्त लोग तो दुखी दुखी हो गए। बोले हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप तो बोल रहे हो जो लखपति बनेगा उसको घर में भोजन करेंगे। कभी तो हम लखपति बन ही नहीं सकते हैं, फिर हमारा घर में आप भोजन ही नहीं करोगे लगता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले जानते हो लखपति किसको कहते हैं? बोले किसको कहते हैं? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी का जो नाम लेता है वो असली लखपति है। हाँ, इसलिए मीरा कहती है, हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, जिन जिन यहाँ मोती महाप्रभु ने समझाया, देखो असली जो हेमवती है, असली जो धन है प्रभु का नाम धन है। जो रोज एक लाख ठाकुर जी के नाम ग्रहण करते हैं, जिन जिन्होंने यह मोती लुटे और सब माला माल हो गए, वो सब माला माल हो गए। बोले कौन है? बोले तुलसी मेरा और नरसी का। हाँ, स्वामी तुलसीदास, श्री हनुमान जी, नरसिंह भक्त जी, मीरा, देखो माला माल हो गए, दुनिया जी का नाम ले रहे हैं। असल लाले ठाकुर जी का नाम। तो महाप्रभु बताए लखपति कैसे बनोगे। देखो अब मेरे तरफ में देखो महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे। देखो महाप्रभु ने क्या बताया, मेरे तरफ में देखो आप लखपति कैसे बनोगे। जैसे हम माला जप करते हैं, हाँ, इसमें देखो हरे कृष्ण सब बोलो मेरे साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जब एक बार ये नाम को लिया है महाप्रभु ने, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार नाम लिया तो 16 बार हो गया है। एक बार महामंत्र 16 बार हो गया। इसमें 108 मोती है। जब 108 मोती में जब पूरा नाम ले लिया, पूरा एक बोलकर एक मोती, पूरा नाम बोलकर 2 मोती, अगर ऐसे 16 राउंड कर लिया, 16 फेर अगर माला जप कर लिया, हिसाब से हो जाता है 25,000। अगर 64 राउंड अगर कर लिया, 64 माला, हिसाब से हो जाता है 1 लाख नाम हो गया हिसाब से। तब यहाँ पर महाप्रभु ने बताया, कहते 1 लाख नाम नहीं किया। बोले क्या किया? बोले आज हमारा नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट हो गई। 1 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट हो गई। अगर हम कोई पैसा को फिक्स डिपोजिट करते हैं हमको ब्याज भी मिलता है। फिर कल हमें कितना मिलेगा? आज तक 1 लाख नाम किया, कल हमें कुछ ब्याज तो मिलनी चाहिए। तो मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सवाय। आज अगर 1 लाख नाम किया, कल आपको 1.25 लाख। एक दिन में आपको 25,000, एकदम एक दिन में 25,000 आपको लाभ मिलेगा। कोई बैंक आपको इतने जल्दी इतने इंटरेस्ट नहीं दे सकता है जितना इंटरेस्ट ये नाम की, हाँ, इतना इंटरेस्ट कोई नहीं दे सकता। ये धन इतने जल्दी बढ़ती है। इसलिए महाप्रभु ने बताए असली जो लखपति है, जो हम भगवान का 1 लाख नाम कर रहे हैं, लेकिन इसी जगत का पैसा कमाते कमाते, दुनिया की पैसा कमाते कमाते अगर शरीर छूट गया क्या मिलेगा? हमारे गुरु जी कहते थे, मानो हमारा पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हाँ, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का आज हम मालिक हैं। हमारे गुरुजी कहते थे अभी हमारा शरीर छूट गया, बताओ हमारा साथ में यहाँ का पैसा कितना जाएगा? एक भी पैसा यहाँ से, 1 यूरो हम यहाँ से ले नहीं सकते हैं। लेकिन आज हम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक आज थे, लेकिन शरीर छूट गया, यहाँ से एक भी पैसा यहाँ से हम छू नहीं सकते। हमारे गुरुजी कहते थे मानो नेक्स्ट घर में हमारा जन्म हुआ, लेकिन अभी ऐसे एक घर में जन्म हो गया, बहुत गरीब घर में, हमको रोटी नहीं मिल रहा है, ऐसे घर में जन्म ले लिया, खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी तरह से हमको याद है ये पहले जन्म का, ये फैक्ट्री गाड़ी वाड़ी मैंने बनाया, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, किसी तरह से हमको याद है। अगर हम जा करेगा अपना पत्नी को, अपना बच्चे को बोले भाई पहले जन्म में ये घर दुनियादारी मैं नहीं बनाया था, अभी मैं गरीब घर में जन्म ले लिया, हमें कुछ खाना दे दो, बताओ आपको बीवी देंगे कि बच्चे देंगे कि नहीं? पहले तो बीवी आपको सिर भरने आएगी, बोले तुम मेरा पति बने दे, वो कांगा, बच्चे थप्पड़ मारेंगे, एक भी पैसा आपको नहीं देंगे। यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं, मीरा कह रही है, आश्चर्य की बात है, हम इसी जीवन में कमाते 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 सारे कमाया, लेकिन शरीर छूटते यहाँ से एक भी पैसा नहीं गया, खाली हाथ से जाना पड़ा। तब मीरा यहाँ कह रही है ऐसे कौन सा धन है जिसको कमाते कमाते शरीर छूट जाए, हाँ? जिसको कमाते कमाते शरीर छूट जाए, लेकिन अगले जीवन में वो तो मिलेगा ही, लेकिन वो ब्याज समेत आपको मिलेगा, इंटरेस्ट समेत मिलेगा। वो कौन सा धन है? मीरा ये भजन में गा रही है, जन्म जन्म के पूंजी पाए, जन्म जन्म के पूंजी पाए, जग में सब ही पाए, आयो जी में राम रतन धन पाए, आयो जी में राम रतन धन पाए, आयो जी में राम रतन धन पाए। ये भगवान का नाम धन है, इसलिए हमारे महापुरुष का संप्रदाय में भक्त लोग कभी ये माला नहीं छोड़ते। सब छूट जाएगा लेकिन माला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर साथ में जाएगा तो यह संसार का एक भी पैसा हम छू नहीं सकते। जितने प्रभु का नाम जप कर रहे हैं भगवान की, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति करते में ले जाते समय यही बोलते बोलते ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल करते हैं। सब कोई बात झूठा, भले ही जिंदगी भर जो कुछ करो लास्ट में यही बोलेंगे, जितने प्रभु राम का नाम कृष्ण का नाम हम लेंगे केवल हमारा साथ में यही जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, हाँ, हाथों में सेवा करो, काम नहीं, अपना घर को ठाकुर का दरबार समझो, घर नहीं ठाकुर जी का मंदिर। हाँ, जैसे गोपियां घर में झाड़ू लगाती थी, क्या हम सोचती थी, आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल, दर्शन के साथी आयो नंदलाल, आयो गोपाल, दर्शन के आते थे, मक्खन चुराते थे। हाँ, इसलिए घर में झाड़ लगाओ, कब कन्हैया हमारे घर में आएंगे, रसोई बनाओ, क्या समझ करके ठाकुर जी की भोग लगेगा, कन्हैया को भोग लगाएंगे। कोई काम कर रहे हो, क्या कर रहे, काम नहीं, हम जो पैसा कमा रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। हाँ, पैसा लक्ष्मी है, हम क्यों कमा, लक्ष्मी किसकी, लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी तो ठाकुर जी की लक्ष्मी है, उनकी सेवा के लिए हम कमा रहे हैं। रोसई ठाकुर जी के लिए कमा रहे हैं, बच्चे को सुला रहे हो, बच्चे किसके, ठाकुर जी के बेटे, ठाकुर जी के बच्चे हैं। हाँ, इसलिए गोपियां जैसे उनको थपथप लगाकर सुलाती है, इधर कन्या के कीर्तन करती हैं, गोविंद दामो धर्मात रहती पास। इसलिए काम नहीं करना हमें, हमें भक्ति करनी है। इसलिए कृष्ण गीता में यही बात को कहते हैं, पहले यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र लोकयम् कर्मबन्धनः। जब प्रभु की सेवा छोड़ करके मैं मेरा मान कर कोई करेंगे वो बंधन है। इसलिए बकीर मैं करता है, इसलिए मरता है। इसलिए हमको मैं नहीं करना है, जो कुछ हम करते हैं ठाकुर जी की सेवा मान कर करनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात है, हमको खान पान में शुद्धता रखनी चाहिए। जैसे माताएं भाई लोग जैसे नवदुर्गा के व्रत रखे, जैसे सबके सब अच्छे आहार करते हैं, विहार करते हैं, दूसरे दिन से मुर्गा फुर्गा खाने लग जाते हैं, नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। माता जी इसमें राजी नहीं, संतुष्ट नहीं है। हाँ, इसलिए ये सब गंदे काम नहीं करनी चाहिए। ये मांस को कहते हैं, ये संस्कृत हुआ है मांस, मांग मतलब मुझे, सा मतलब वह। अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा, इसलिए उसको अंग्रेज में मीट कहते हैं। मीट मतलब क्या, मी मतलब मी मन मुझे, ईट मतलब खाना। अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा, वही अंग्रेजी में वही शब्द है। और भागवत का ये श्लोक है, भगवान कृष्ण कह रहे, बोले जे तो नैवम विदसन्तु सदा सदभिमानिनः पशुन् दुर्हन्ति विसृत्या प्रत्याघादन्ति चेतांसि। भागवत का श्लोक है। इस जीवन में हम जिसको खा रहे अगले जीवन में वही हमें काट कर खाएगा। हाँ, इसलिए ये चीज हमें त्याग देनी चाहिए। ये तामसिक भोजन है, ये मत समझो हम किसको खा लिया कर्म पर खत्म, नहीं। ये जन्म जन्मांतर के फिर हमको जिसको खा रहे अगले जीवन में यही काट कर खाएगा। अब भागवत सुरत महाराज की कथा पढ़ लो, पूरा डायरेक्ट देता है राजा कैसे, एक राजा कैसे पशुबद्ध कर खाता था, नारद स्वयं दिखा दिया, साक्षात रूप में उसको दिखा दिया। जिन्हों को मारा था तलवार लेकर उसको काट रहे थे सबके सब, बल्कि उद्धार कैसे होगा उसको संपूर्ण छोड़ो। और प्रभु की भक्ति करने के लिए तो इस चीज को हमें संपूर्ण त्याग देनी चाहिए। हम कहते हैं सुख चाहिए, सुख देंगे तभी तो सुख मिलेगा, बिना सुख दिए कहाँ से मिलेगा। एक जानवर में जो खाते जो छटपटाता है वो कहाँ से, उसको छटपटा करके उसको हम खा रहे हैं, हम सुख कहाँ से मिल सकता है, कभी मिल नहीं सकता, कभी भी नहीं मिल सकता है जीवन में सुखी। इसलिए हमको भगवान की भक्ति के लिए हमें खान पान के भी अच्छे तरह से शुद्धता को हमें देखनी चाहिए। संतों का कहना है मांस जो खा रहे हैं ये शरीर को ठाकुर जी का मंदिर का स्वरूप देनी चाहिए। जहाँ मांस को काट देते हैं उसको कहते कब्बरगा। अगर हम मांस खाए तो हमारा शरीर क्या बन गया, बोले कब्बरगा बन गया शरीर। हाँ, ये संतों का कहना है। हाँ, इसलिए कोशिश करना। और संत लोग तो बात बोलते थे आपको तो बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन बुरा नहीं मानना। संतों शास्त्र का बात है, शास्त्र कहता है शमशान किसको कहते हैं, बोले जहाँ पर मुर्दा जलता है। बोले मांस मछली क्या मुर्दा है, मरा हुआ है ना, मुर्दा है। अगर मुर्दा अगर हमारे घर में वो पक रहा है फिर हमारा घर क्या बन गया, शमशान बन गया। ये संतों का कहना है। कभी कभी हम फ्रिज में, कभी कभी हम फ्रिज में क्या करते हैं मांस को रख लेते हैं। लेकिन आप लोगों को पता, आप तो हिंदू लोग हो, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है हम क्या बोलते हैं छूना नहीं, क्योंकि छूने पर स्नान करना पड़ेगा। ये जो मांस क्या है मुर्दा है, जानवर का, किसी जानवर का मांस है। जब अपना घर में लाकर फ्रिज में रख दिया, घर में रख दिया, जैसे कोई व्यक्ति मरने के बाद छूने पर गति छूना नहीं, छूने पर नहाना पड़ेगा। जब कोई मांस को हम घर में ला करके फ्रिज के अंदर रख दिया फिर क्या हुआ बताओ, मतलब ये संपूर्ण गंदी चीज है। हाँ, ये गंदी चीज है। इसलिए हमको प्रभु की अगर भक्ति करना, जैसे हम जैसे समझो ये संतों का उदाहरण, जैसे किसी का एक बेटा है, हाँ? हम उसको काट दिया, किसी के संतान को काट दिया, हम जाकर वो व्यक्ति का चरण में गिरे, बताओ वो व्यक्ति खुश होगा कि नहीं, खुश होगा। कल जगत में जितने संतान किसके संतान, ठाकुर जी के, ठाकुर जी के संतान है। अगर हम उसको काट करके फिर ठाकुर को चरण में खूब भक्ति कर रहे हैं, बोले ढोंगी है, भक्ति भक्ति कुछ नहीं, संपूर्ण शास्त्र का ढोंगी, ये भक्ति भक्ति कुछ नहीं है। और ठाकुर जी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, क्योंकि संतान सब उन्हीं की संतान है। इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी आहार विहार प्रति हमें थोड़ा शुद्धता देनी चाहिए, तभी ये भक्ति भावना आ सकती, नहीं तो भक्ति नहीं आएगी। ये भक्ति फिर भक्ति नहीं, ये कपड़ा जूता है। इसलिए आप लोग जो कुछ खाओ, कृष्ण, ये गीता का श्लोक है, कृष्ण गीता में कह रहे हैं, बोले भुंजन ते तो अघम पापा जे पचते आत्म कारणात्। बोले अर्जुन जो लोग मुझे नहीं देकर खाते हैं, बोले भुंजन ते तो अघम, वो केवल पाप भोजन करते हैं। लेकिन जब मुझे अर्पण करके खाते हैं तो केवल अमृत भोजन करते हैं। हाँ, इसलिए हमको जो कुछ खाना है हमें ठाकुर जी को भोग ला कर खाएंगे। अगर शुद्ध चीज नहीं होगा फिर ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते। इसलिए ठाकुर जी को जो चीज प्यारा नहीं वो हमें भी प्यारा नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप लोगों को पता होगा एक समय कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, गुरु माता ने सुदामा को कुछ चाना दिया, बोले बेटा कन्हैया को देकर खा लेना। लेकिन सुदामा ने क्या किया, कन्हैया को दिया ने अगला गला खा लिया, इसलिए उसको कुछ दिन गरीब बनना पड़ा। सुदामा गरीब बनना क्यों, कारण क्या, बोले उन्होंने कृष्ण को दिए बगैर खा लिया। हाँ, तभी गरीब बनना, क्योंकि दुनिया उन्हीं की है। इसलिए उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम जत किंच जगत है जगत, जगत में जो देख रहे हो हमारा नहीं और ठाकुर का जगत है। बोले तेना तत्तन भुंजी था, उनको दे करके खाओ। हाँ, इसलिए सुदामा कब धनी बना, बोले भगवान को, सुशीला बोली जाओ ठाकुर को दर्शन करके आओ। बोले खाली हाथ में नहीं जानी चाहिए, कुछ ले करके जानी चाहिए। चिड़वाला है लेकर गई, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, जब तीसरे मुट्ठी खा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ती, बोले नहीं प्रभु आप दो मुट्ठी खा लिया मतलब सारे ऐश्वर्य उसके घर में पहुंच गया, अगर आप तीसरे मुट्ठी खाओगे मेरे को दासी बनना पड़ जाएगा। देखो सुदामा आकर क्या देखता है, राजमहल बना हुआ, पत्नी को पहचान नहीं पा रहा है, इतनी सुंदरी बन गई। इसका मतलब ठाकुर को जब हम देख रहे खाएंगे धनी बनेंगे, ठाकुर को नहीं देख रहे खाएंगे तो गरीब बनेंगे। बताओ धनी कौन बनेगा, गरीब कौन बनेगा? कोई गरीब बनना नहीं चाहते, सब चाहते हैं हम धनी बना। तो क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी को अर्पण करके तुलसी पत्ता रख करके हमको भजन करनी चाहिए। हृदय भी शुद्ध होगा, हम जो परिश्रम करके इतना कष्ट करके कमाया वो भी पवित्र हो जाएगा। आप ठाकुर को भोग लगा कर खाओ। देखो प्रसाद कहते हैं ना, हम प्रसाद प्रसाद मतलब ठाकुर का आशीर्वाद है। हाँ, आप स्वयं ये काम करके देख लो, एक हफ्ता तक ठाकुर जो कुछ लाते हो शुद्ध रूप में बनाओ अपना हाथों से और ठाकुर को भोग लगा कर खाओ। देखो कितने आनंद आपको मिलेगा, कितने शांति अंदर से मिलेगी। क्यों, हमने जो परिश्रम किया सारे परिश्रम ठाकुर को सेवा में लगा है। हाँ, भगवान की सेवा में लगा, ठाकुर का आशीर्वाद कृपा हमें मिलेगी। ठीक है, फिर तो जीवन हमारी धन्य हो जाएगी। हमारा समय हो गया, इसलिए अगर हमने आप लोगों को जो कुछ सुनाया, जो संत लोगों से हमने सुना, कोशिश किया उसको सुनाने के लिए, उसमें कुछ अगर अच्छा है ये संतों का देन है। अगर हमने कड़ी कड़ी वचन भी 2 बार सुना दिया, मांस मछली मत खाओ अगर आप लोग कष्ट होगा तो मेरे को माफ कर देना, हम माफ कर देना। हमने तो कोशिश किया आप लोगों को शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करो, भजन करो। इसलिए आप लोगों को जन्म प्रणाम है। हमारे अपराध को लेना नहीं, बच्चा मान करके हमें आशीर्वाद देना, जैसे आप लोगों को हम जिंदगी भर सेवा करके जीवन को बिता सके। ठीक है, हम सबको चरण प्रणाम करता हूँ। यहीं पर अपना कथा को समाप्त कर देता हूँ, एक कीर्तन करके खत्म कर दे। ठीक है, थोड़ा कीर्तन करके श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, ओ जय राधा की जय।